production, not reproduction. It is to create manpower that makes the nation powerful in all respects. If each child is developed into a resource, imagine the resourcefulness of the community of that nation. Such education based on creation of productive individuals cannot be provided within the confined brick and mortar. It requires a paradigm shift in the system of education. The concept of nayi taalim and experiential learning is not new, but it is significant even today in revamping educational content and practices to make them more meaningful to the present learners and future citizens of a progressive society. Like Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India, Hyderabad. On behalf of all at Patna Women's College, I extend a very warm welcome to our honourable Chief Guest, Vice Chancellor, Professor Khagendri Kumar, Head and Dean, Faculty of Education, Patna University, dignitaries and learned representatives from different teacher education colleges, resource persons. Dr. Sister Mary Rasmi S.E.
ज्ञान रूप जो हमारे बीच हैं वो इस पुराने माने शिक्षा भी है और शिक्षा कैसे संजीव जी और महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल से ऑलरेडी आई हुई हैं और इस डिपार्टमेंट की फैमिली के डॉक्टर वासिम सिंह और हमारे सारे बाकी बेसिस ऑफ दिस रिसोर्स वी विल ट्राई टू चॉक आउट सर्टेन प्रोग्राम फॉर what we can do in the field of work experience, work education, community participation in the school curriculum as well curriculum of the teacher education specifically. The basic thing is that we, as far as you know, we have changed our economy, even beyond academics and what Gandhi perceived. So it's very difficult to parry Gandhi as per his vision. And if we NCF, National Curriculum Framework 2005, and if properly implemented, I think it carries all the elements what Gandhi wanted to be there. जो कि बहुत ही अभी नहीं होता है जिसे हम कर पाएंगे और दूसरी बात ये है कि जो क्राफ्ट्स के अराउंड एजुकेशन एक्चुअली इसको बहुत तरह से लोगों ने परसीव किया है टू डिपार्ट एजुकेशन अराउंड क्राफ्ट कुछ लोग तो क्राफ्ट को ही क्राफ्ट बेसिकली सिम्बॉलिक है और सिम्बॉलिक ये है कि बेसिकली जो हम लोग एजुकेशन के सभी स्टूडेंट्स जानते हैं जो हमारा थ्री डोमेन सो हम इस किताब को देख रहे हैं इसमें कुछ ऐसी बातें खड़ी होती हैं पहले तो इस किताब का जो ट्रांसलेशन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस किताब का जो ट्रांसलेशन हिंदी शायद अंग्रेजी पुस्तक से इसको ट्रांसलेट किया गया है जो कि शायद एक बोझ ही है ये बहुत ही इसको पढ़ना जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि और भी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है जहाँ तक कि जो NCF में जो भी हमारे आइडियाज हैं प्रश्न पूछना या फिर सबसे जो बेसिक चीज़ें जो हम गांधी को अभी कैरी कर सकते हैं कि जो रिस्पेक्ट फॉर द मिनियल लेबर और व्हाट यू कॉल डिग्निटी वर्क डिग्निटी जो भी हमारे ऐसे कि कोई इसमें रूरल एजुकेशन इसको हम लोग जबरदस्ती कैरी करते हैं इट्स कंसर्न फॉर ऑल खास करके अर्बन एरियाज में आप देखिए जो भी लोग हैं वो बेसिकली रूरल बैकग्राउंड से जिनका कटाव है या जिनसे जो जुड़े हुए नहीं हैं उनका सारा लाइफ जो है उसी वर्कर्स पर डिपेंडेंट है फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग उनके लाइफ का जो अधिकांश हिस्सा उन्हीं पर डिपेंडेंट है जब उनके 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 चूल्हे उन्हीं से चलते हैं उनके बच्चे को स्कूल वहीं छोड़ करके आते हैं अलग बात है उनके बच्चे एक अलग परिप्रेक्ष्य कार के बाड़े में एक बहुत ही सुंदर से स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन उनका जुड़ाव उनसे है जो दिन रात उन्हीं वर्कर के बच्चों के साथ या वर्कर के साथ जो उनका खुद की समझ उनको है हम खुद से उसको काटने की कोशिश करते हैं तो गांधी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इतना करना चाहेंगे इस कंसल्टेटिव वर्कशॉप में कि कम से कम गांधीयन पेडागॉजी में जो टीचिंग का जो हमारा साइंस ऑफ टीचिंग है उसमें हम गांधी के विजन को कहाँ तक कैरी कर सकते हैं किसी भी पार्ट में अगर हम कभी कभी ये करते हैं कि इसे वर्कर इसमें हमने अभी देखा है एक गाइडलाइंस आया था कि एक आर्टिजन को ऑनर करना है किसी एक आर्टिजन को ऑनर करने से नहीं होगा या किसी बच्चे को अगर बाहर ले जाते हैं कहीं घुमाने ले जाते हैं या कहते हैं किसी वर्क या बैंक में जाकर के बैंकिंग सीखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं जिसके लिए डिजाइन तैयार नहीं कर पाए ये वर्षों से ही बात हो रही है कि वर्क के अराउंड एजुकेशन को लेकिन जो हमारा सिलेबस है जो करिकुलम है और जो हम सिखाना चाहते हैं उसके अराउंड एवेल्युएशन नहीं घूमता अगर आप कुछ सिखाना भी चाहते हैं अगर कुछ टीचर्स अपने दिमाग से हम लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई को एक छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कितने ब्यूरोक्रेटिक परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं इसलिए अगर टीचर कुछ करना भी चाहता है या वर्क के अराउंड वो एजुकेशन को वीक नहीं कर पाता थोड़ा बहुत तो फिर जब मूल्यांकन होता है तो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं इसलिए जाहिर है कि बात बन नहीं पाती है इस वर्कशॉप में हम लोग बैठ करके हमारे बीच काफ़ी लोग हैं जो स्टूडेंट में काफ़ी माहिर हैं सभी मिल करके वी ट्राई टू फाइंड आउट कि अपने करिकुलम में
गांधी पेडागॉजी को कहाँ जगह दे सकते हैं, और उसमें अभी हम आज के पेपर में देख रहे थे बुनियादी शिक्षा को हम दोबारा से स्कूल्स को रिवाइव करेंगे। सो 391 स्कूल शायद पहला हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स इंडिया में हमारे स्टेट में रहे हैं, जो सैदिन कमेटी के बाद वो नॉर्मल स्कूल्स में कन्वर्ट हो गए, नो दे आर वर्किंग इन नॉर्मल स्कूल्स। शायद अच्छा ही हुआ कि उस स्कूल में हम कुछ नहीं कर पाते, कम से कम नॉर्मल एजुकेशन हम दे पा रहे हैं या जैसा भी दे रहे हैं, कम से कम वो जो मॉडल स्कूल, अभी भी बात आ रही है बुनियादी विद्यालय को मॉडल स्कूल्स बनाए, ये मॉडल स्कूल्स की जरूरत नहीं है। सभी स्कूल जो है बुनियादी शिक्षा या गांधी का जो पेडागॉजी है उसके अराउंड चले। और कभी कभी ये भी ये मूवमेंट से अधूरा रह जाता है कि बीएड क्या के टीचर्स से इसकी शुरुआत होगी, और ये बाद में सभी जगह पर इसको इस पेडागॉजी की जरूरत यूनिवर्सिटीज में भी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में भी जो वर्क एक्सपीरियंस या कम्युनिटी लर्निंग या फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट या आप देखिए हमारे जितने भी स्कूल्स थे बिहार में, जितने भी स्कूल्स हैं उसमें से अधिकांश स्कूल ये कम्युनिटी द्वारा खड़े किए गए, गवर्नमेंट ने खड़ा नहीं किया। और आज हम तरह तरह के स्कीम्स बनाते हैं हाउ टू कनेक्ट दैट स्कूल विद द कम्युनिटी, वो ग्राम शिक्षा समिति से लेकर के विद्यालय शिक्षा समिति तक पहुँच गए, इसमें कई चेंजेज आए जब पंचायती राज स्टैट्यूटरी बॉडी बनी तब से लेकर के राइट टू एजुकेशन के बाद उसमें कई चेंजेज आए। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कम्युनिटी से स्कूल जुड़े, ये तो नेचुरल जुड़ाव हमारा था, हमारे सारे स्कूल कम्युनिटी ने खड़े किए हैं और आज हम उसे जोड़ने की बात करते हैं। तो किस तरह हम कम्युनिटी से जोड़ सकते हैं और किस तरह वर्क एक्सपीरियंस को जगह दे सकते हैं या फिर कम से कम डिग्निटी ऑफ लेबर को स्टैब्लिश कर पाए, इसी के अराउंड सब लोग आज ये कंसल्टेटिव वर्क है इस फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, और ताकि वो फ्रेमवर्क इस स्टेट के लिए एक आईना हो ताकि उसके हिसाब से आगे कुछ क्रियाकर्म हो सके। क्योंकि जैसे हमारे बुनियादी विद्यालय रिवाइज करने की बात हो रही है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि सारे विद्यालय में, और हम लोग ये भी मानते हैं जो सर हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें इतनी जगह है या हमारी जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक है उसमें ये सारी चीज़ें उसमें वर्क एक्सपीरियंस और कम्युनिटी एंगेजमेंट को काफ़ी जगह दी गई है। लेकिन होता है कि एवेल्युएशन पर जब हम लोग आते हैं तो फिर हम लोग वही था के तीन पास वो एकदम पढ़ने वाली एग्जामिनेशन लेते हैं, जिस वजह से वो सारा का सारा योजना अधूरा रह जाता है। वही सब के मुद्दे के बीच हम लोग आज इस वर्कशॉप करेंगे, और एक बार फिर यहाँ पर जितने प्रतिभागी हैं और खास करके जो पटना वीमेंस कॉलेज का ये विभाग जिसमें कि जिसके पर एवेल्युएशन वो कर रहे हैं उनको विशेष धन्यवाद देते हैं, उनका भी वेलकम करते हैं फैकल्टी जी की तरफ से। फॉर दिस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय पीजी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पटना यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पटना वीमेंस कॉलेज। सो इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू हैव आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर एज अ चीफ गेस्ट फॉर दिस इनॉग्रेट प्रोग्राम एंड ऑफ दिस वर्कशॉप। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस सर। थैंक्स टू यू वॉर्म वेलकम टू प्रोफेसर खगेंद्र कुमार, हेड एंड डीन Department of Education at the University. We are happy and honored to collaborate with you in conducting this workshop. We are happy to have with us eminent principals from various teacher training colleges, schools, along with other teachers. I think many are there from different schools. We are all most welcome here. I am sure all of you will have a fruitful time during this consultative workshop today. Naitali, I also made a study of it now. Actually, I was not so much aware because I am not a teacher training or something, so I am away from it, but I made a study. So I found it's very interesting. So Naitali, it's an experiential learning. It is a Gandhian idea of education. Education is for life. It cannot be confined within the four walls of a classroom. The essence of education can be grasped only when learners are given the freedom to explore. As teachers, we have to bring out the inherent quality of an individual to the outside in the best possible form. Mahatma Gandhi said, "By education, I mean all-round development, drawing out the best in child and man,
body, mind and spirit. We cannot draw out the best till we understand that knowledge and work cannot be separate. This is the basic principle of library, a way and a system of education that emphasizes holistic education. Gandhi's model of education was to create human resources through education by combining work with education. Mahatma Gandhi insisted that a teacher should teach in a way that it becomes a learning experience for him or her. He called the teacher as the student of his students. When we talk of creating a just and national, rational, progressive society, we have to promote an education system that develops certain skills in learners along with rational academic inputs. Such an education system incorporates the needs of all learners, even those who are at the periphery of education, provides universal access to quality education, and does not lead to creation of any elite group in the society. It will also instill in our students human values like cooperation, empathy, fellow feeling, sacrifice, secularism, democracy and so on. Therefore, for Gandhi, education is the moral development of a person. One thing that comes to my mind is that the skills that we are developing in our schools and later in colleges today are for the purpose of running various machines which may increase the job prospects of learners, but we are not developing skills for self-enhancement and for becoming self-reliant. Education has become a means to train minds, and education of hand and heart has lost its significance. The need of the hour is to remodel the curriculum in lines of skill-based and experiential learning in an enriching and productive environment. I'm sure there will be fruitful inputs, discussions on the said theme, and you as educators will draw up action plans to bring about the essence of Naital in our society, Naitalin in our society. I am grateful to our Honorable Vice Chancellor for his gracious presence that has encouraged the organizers. Thank you, sir, for sparing your time with us. I thank Dr. Upasana, head and team department. Vice Chancellor Professor Rash Bihari Prasad Singh for his address. Namaste to everyone. Principal, Mr. Rashmi. Education, Patna University, principals of some training colleges. This is my third visit to this building. But that is why I needed no direction, no help. I came straight. First I came when it was inaugurated. Second, I think in between some program was, I was first member. Today, third. Only change is that the principal is changed. And now the principal is from my department. And I'm principal is my student. Yeah. So I really am feeling a sense of clear and satisfaction to be with all of you. This very important program. Friends, you know, the nation or the nation building process. All work well, very well, nation would have emerged, basically depend upon the school education. If the school education is not properly given, that is a very critical age growth of the potential demographic dividends. Those who will save the country, they are really to be saved at the school level. And it is a very critical phase. And the tender phase is 18 to 23 years age group. They are the plus two school educations. So these two developments make a country
or give a country new shape, new direction, better on new roads. In India, there are about 35 crore persons, 35 crore below the age of 23 years. Their responsibility lies in the hands of you all, whether you are in school, education, educator, or you are in school teacher. The trust is a part of it. So, resources, physical resources, material resources, not so important, and the human resource development. So this workshop is for the very important purpose. There was an American social scientist, Zimmerman. Superior brain power is the greatest resource of the society. Superior brain power. Who will create superior brain power? University just cannot create. It is created, it is developed at the school level. If the school education is properly given, then you can do that. Mahatma Gandhi is not remembered. We have almost forgotten at least the Nayi Talim and the educational philosophy of Gandhi. Thanks to the state, thanks to the agency, different bodies who on the occasion of 150th anniversary birthday of Mahatma Gandhi, we have, and the Pallavi Association, many other bodies, have started to recall what Gandhi had, the concept on education. On 29th Prime Minister, I also called on meetings of selected vice chancellor. I am also going there. Again, this is also an important issue. How the nation will move with a basic education, whether the basic education is relevant or not relevant, this question has been arising. Friends, our participants, you must know, India is a country of villages, we all know. About 69% population still is living in villages. If 10% were neither in villages, or it has been not knowing where they are. But even about 60% population is in the village. In other words, more than 23, 24 crores of 35 crore are in the villages. And important is that village schools, schools in the villages have to be realistic with framing the career or destiny of the youngers who are in the village. It's very important. In urban area, exposure is more, facilities are more, awareness is more. But in rural areas, we all are missing. So, this is the big challenge, I think, where you interact today. It must be in your mind that Nayi Talim in the Nayi context, well, ICT, many others have come. You cannot ignore, you cannot isolate. But if you look into Gandhian thoughts, Gandhian philosophy of any aspects, the future of country is there. Gandhi was here, a backward mindset. Gandhi was a man of progressive mindsets, but Gandhi was knowing what India immediately needs, what India would need after 20 years. So Gandhi was knowing what India needs today. So that's why Nayi Talim at that time was based on the need of rural India, based on the need of more than 95 or 94% Indians. Friends, if you look carefully at all the Gandhian pedagogy, you will find there are four important educational philosophy within that. And I call, I have also delivered later on. You take in the acts, ACTS, that is the Gandhi philosophy of education. A means, Gandhi was very sincere, ability is to be developed. Only skill is not important. Nayi Talim, ability to develop. Ability means, you see, ability your is not only your capability. Your ability is recognized by awarding the degree. So education is important to have the system of certification. C means confidence building. Every student, every learner must have confidence. Or confidence development is important.
only giving the degree, the confidence, some students give degree and fail. Now the confidence is a psychological treatment, psychological impulse to the extent, dear son, you have failed, don't worry, this judgment, next time you are going to talk. If you improve this, 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 no one can beat you, no one can compete with you. If this kind of curriculum you develop, the confidence, a learner, your teacher have to see, a learner should never miss the confidence. He may have some breaks, he may have some hours, critical hours of getting confidence or losing confidence. But you teacher, your academic or educational tools must keep confidence high, then you will be able to be really a good citizen for the country. He is tolerance. Gandhian education was full with tolerance. So Gandhi was knowing way. Even within village, there is a garrison. Village, within village. What Gandhi did is Vidyaharwa. Vidyaharwa. All caste, all religion, all values to be spread. Gandhi had given the seed of tolerance or unity of social diversity in India by establishing a school in Champaran region. That was the beginning of Gandhian philosophy on tolerance. Later on, we talk a lot of tolerance, whether we have tolerance or not. And if we are losing the tolerance, social tolerance is very important. The country of diversity must have social tolerance. So if it is, India is losing this kind of tolerance, the blame will go to the school teachers. You have to build tolerance at the school level. And sir, lastly, yes, skillness. Always, right from the, I was the student in the school, that was not the basic school, but still I remember. Gardening was very important part. Hum isko saptah mein ek din udal leke jaate the. Aur achhi baigan ki kheti karte the. Aur master saab ghar le aate. Lekin bahut khushi hoti thi. Humne baigan ubjaya, master ghar le gaye, koi afsos nahi tha. Khushi hoti thi. Phir iske baad hamare taraf patua bahut hota. In the 6th class, gardening, 7th class, patua se rassi banana. ये सिखाया गया, मैं आज भी उतना अच्छा रस्सी बना सकता हूँ। ये शिक्षा जो स्कूल में मिला, फिर आगे आने के बाद या आज के स्कूल में सब टूट गया है, छूट गया है। Nothing be wrong, आप उसके बदले ICT based new technology बताएं, but skillness is what is this startup? Startup is basically micro entrepreneurs skillness and the confidence then to invest less get more. This should begin from the school. So after curriculum बनाए जरूर ध्यान में रखें इन चार बातों को। यू मस्ट इस रूम में आप ये तय करें कि आपका कैरिकुलम ऐसा हो कि महात्मा गांधी सुबोल स्टेट सारे देश में भेजे और लोगों को विवश करें कि डिस्कस ओवर देश क्योंकि मुझे खुशी हुआ वो सरवणी पांडित्यान फ्रॉम देयर तो रूरल स्टडीज का पटना यूनिवर्सिटी का दिया देखा वो कैरिकुलम तो वहाँ से उन्होंने एप्रिसिएशन लेटर उनके डायरेक्टर ने भेजा है कि योर रूरल स्टडी कैरिकुलम इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री पटना रूरल स्टडी कैरिकुलम सिमिलरली वेन यू फ्रेंड दिस आई होप दे विल अगेन सेंड अ लेटर टू द प्रिंसिपल दैट वर्क्स ऑफ योर कॉलेज हैड डेवलप वन ऑफ द बेस्ट कैरिकुलम इन द कंट्री दैट वुड बी एक्नॉलेज्ड एप्रिसिएटेड सो यू मस्ट स्टार्ट विद commitments for making a new India, making India based on new generation. Because many of you look at that, 2030, 35, four generations whom you are doing our things would be in the commanding situation of it. So we have found out, but they have to command it. So your workshop, maybe in a small room, maybe with a small group, but it has big challenge. Bigger challenges and challenges are in the context of the big words. I wish our friends success. And again, I thank sir, all the organizations, the college, academy, education departments who took initiative. I am happy for this and I am sure your reports will get acknowledgement. Thank you. Thank you.
education is the guiding force of any society. Its future lies in the hands of its teachers, who shape and cultivate the consciousness of students. It is this significant role played by education that has motivated us to explore the possibilities of Gandhi's philosophy of education. Good morning to all present in the consultative workshop on Nainitali Experiential Learning and Work Education in School and Teacher Education Curriculum, organized by PG Department of Education, Patna University, in collaboration with Patna Women's College